IBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हसैन क्षेत्र के में संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्षारोपण, जल संचयन, रक्तदान आदि के बारे में गांव गांव जाकर सिकंदराव विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, सुनील गौतम, विपिन लाल, मीरा महेश्वरी, सुरेंद्र पुंडीर, चंद्र प्रकाश माहौर, दीपक उपाध्याय आदि सियाणों का कदम संकल्प लिया। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, कहीं भी वो किसी से पीछे नहीं है। मैं सोचती हूँ बेटियों को हर तरह सम्मान दिया जाना चाहिए। सीमा पाटिल भी वहाँ तक पहुँच गई, अब नहीं उन्होंने जो वो 114 बाइकर की फिक्र देखा राष्ट्रपति के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने उनके कुछ विषयों को लेकर और अपनी कुछ योजनाओं को लेकर अपने संकल्प पद यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ की है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 150वां जन्म दिवस है, तो हमारी सरकार जब बनी थी तो हमारी सरकार जो हमारे देश के निर्माता थे, देश के निर्माण में जिनका अटूट सहयोग रहा था, उन लोगों की कुछ आकांक्षाएं थी, उनके बनाए हुए कुछ नियम थे कि जिस तरह हमारा भारत एक समृद्ध भारत बने, ऐसी लोगों की जो बनाए हुए नियम कानून, जो उनकी आत्माओं की आवाज़ थी, उसको पार्टी ने बड़े अच्छे मन से लिया है और उन्हीं के बताए हुए आदर्शों को हमारी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। उनके बताए हुए जो भी उपदेश हैं, जो भी समाज सुधार के कार्य हैं, उन्हें किस तरह संकल्प लेते हुए हम पूर्ण करें, इसलिए हमने इसका नाम गांधी संकल्प पदयात्रा रखा है और उसी पदयात्रा को हम गांव-गांव लेके घूम रहे हैं कि गांधी जी के बनाए हुए आदर्शों पे हम चलें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बनाए हुए आदर्शों पे हम चलें, उन आदर्शों को हम गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, जिससे हमारा भारतवर्ष सुंदर, स्वस्थ और समृद्ध बने।